देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। जे मैं ये पूछा थोनू कि केड़ा एक्टर है या केड़ा सिंगर है पंजाबी इंडस्ट्री का मेल, वो कौन है जिन्हें तुम चाहते कि हाँ इस दिल दिया गल्लां जरूर करनियां? सिद्धू मस्ट कम ऑन शो। आई नो कि वो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ या नहीं करते, बट इफ़ ही कैन कम, आई थिंक लोगों नू मेरे लिए भी पर्सनली उन्हां दी जिहड़ी सक्सेस स्टोरी आ या की आ, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स नू दे नाल मैं कम किया हो मैं जान दी, बट आई थिंक इट विल बी नाइस टू वॉच उन्हां दी जिंदगी दी कहानी उन्हां दी जुबानी। लोगों ने बहुत प्यार दिता जिहड़ा गाना सी नाल कीता, और लोगों ने पसंद कीता वैन वी कोलैबोरेटेड टुगैदर, तो जे फ्यूचर च भी असं कुछ करते हैं तो आई थिंक फैनस नूं काफ़ी पसंद आऊगा। सिद्धू जी प्लीज़ जरूर आओ दिल दियां गल्लां दे विच, यूथ एंड एवरीबडी एल्स वॉन्ट्स टू नो योर स्टोरी एंड थोड़े नाल सारे दिल दी गल्लां करना चाहते हैं, सो कम ऑन दिल दियां गल्लां। हूँ एक एक्टर के नाल हूँ तुम एंकर भी बनोगे, सो कितनी की प्रैक्टिस करनी पै रही है? नहीं मैं कोई प्रैक्टिस नहीं की, ना मैनू पै रही आ। मेरी कोशिश यही है कि मैं जिद्दा हैगी हाँ इन रियल लाइफ मैं उदा ही शो ते भी रहा और उदा ही गल करा, बिकॉज शो का मीनिंग ही है दिल की गल, तो मैं ही जो कुछ होर प्रैक्टिस कर करके एक होस्ट की तरह गल करना चाहूँगी आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क। सो आई मैं जिद्दा हैगी हाँ मैं उदा ही गल करूँगी, मैं उदा ही शो ते होंगी, कोशिश ये भी करूँगी कि जो गैसट आन वो भी उन्होंने रियल सैल्फ बहर आवे। सो जेकर गल की जाए तो काफ़ी ज़्यादा किरदार किए, बब्बू बैंस वाला किरदार तेन देखने मिलेगा? नहीं नहीं बब्बू बैंस का देखो जो किरदार है वो वन ऑफ अ काइंड है, वो थानू मे बी अड़प मुटियारा पार्ट टू च देखने मिलेगा। अच्छा जे असी गल करिए इस दे विच शिरकत कौन करेगा, असी ये नहीं रिवील करना चाहते कि कौन पहला होएगा है ना, फिर मज़ा नहीं रहना, पर फिर भी जिदा लिरिसिस्ट आएंगे या सिंगर आएगा या एक्टर आएगा कौन कौन आएगा? सारे जने आएंगे, हर तरह का कलाकार आर्टिस्ट जिन्हों भी लोग प्यार करते हैं जो साड़ी पंजाबी इंडस्ट्री का पार्ट ने आएंगे, नॉट नैसेसरली कि सिर्फ एक्टर ही आएंगे या फिर सिर्फ सिंगर्स ही, हर तरह का सितारा होगा जिन्हों भी लोगों ने प्यार दिता है जिन्होंने पसंद कर रहे हैं, सो वो आएंगे शो ते। दिल दियां गल्लां दे विच कि दिल दियां गल्लां होणगियां या दिलो दिमाग दियां गल्लां भी होणगियां? मैं हुणे क्या सिर्फ दिल दियां गल्लां होणगियां एंड कोशिश यही रहेगी, लेकिन वी हैव टू ऑल्सो सी सामने वाले बंदे का कंफर्ट लैवल, बट कोशिश यही आ कि एक हार्ट फेल्ट एक इदा का शो चैट शो जो वाकई जित जो जो भी गल्लां होण या जो भी चीज़ा होण दिल तो होण आपां मीन करते हुए, सो उ हल सो ब्रीफ। जे मैं ये पूछा थोनू कि केड़ा एक्टर है या केड़ा सिंगर है पंजाबी इंडस्ट्री का मेल, वो कौन है जिन्हें तुम चाहते कि हाँ इस दिल दी गल जरूर करनी है? मैं तो सारे चाहनी हाँ कोई एक हो ना, ये गोलमोल हो गया जवाब गोलमोल नहीं सी, बिकॉज मैं सच्ची दसा सारे की ऑफकोर्स काफ़ी दिन मैं कम किया हो, लेकिन अच्छा जी पूछो ओके नाउ आई हैव अ माइंड, आई थिंक सिद्धू मस्ट कम ऑन शो। आई नो कि वो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ या नहीं करते, बट इफ़ ही कैन कम आई थिंक लोगों नू मेरे लिए भी पर्सनली उन्हां दी जिहड़ी सक्सेस स्टोरी आ या की आ, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स नू दे नाल मैं कम किया हो मैं जान दी, बट आई थिंक इट विल बी नाइस टू वॉच उन्हां दी जिंदगी दी कहानी उन्हां दी जुबानी, आई थिंक इट विल बी नाइस। असी इंस्टाग्राम ते भी देखदे काफ़ी पेजेस है तुहाडे ते सिद्धू दी वीडियोज़ बनाई जांदी हाँ जी हाँ जी, आई थिंक लोगों ने बहुत प्यार दिता जिहड़ा गाना सी नाल कीता और लोगों ने पसंद कीता वैन वी कोलैबोरेटेड टुगैदर, तो जे फ्यूचर च भी असं कुछ करते हैं तो आई थिंक फैनस नूं काफ़ी पसंद आऊगा, और जो भी फैनस वो एडिट्स बनाते हैं थैंक यू सो मच इन्हां टाइम कढ़ के वीडियोज़ बनाउण लई। वैसे चलो तुसीं अड़ मुटियारां च गाना कीता उन्हां दे नाल, कि तुसीं हुण अपने लैवल ते एक बार गलबात करोगे, क्योंकि इंटरव्यूज़ दा तुसीं जिक्र कीता कि सिद्धू मूसे वाला बहुत घट इंटरव्यूज़ दिंदे ने, जो तुसी मैनू आइडिया दिता है तो आई थिंक आई आस्क हिम एंड आई आस्क हिम फॉर श्योर, पर उन्हों का टाइम उन्हों का कंफर्ट भी इंपॉर्टेंट आ, बट जो तुसी मैनू सवाल किया मैं एक ऑनेस्ट जवाब दिता, आई थिंक यूथ दी भी पसंद है हाँ जी, तो सिद्धू जी प्लीज़ जरूर आओ दिल दियां गल्लां दे विच, यूथ एंड एवरीबडी एल्स वॉन्ट्स टू नो योर स्टोरी एंड
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਕਮ ਔਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੜਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਈਗੋ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਆ ਉੱਦਣ ਬਹੁਤ ਫਲੱਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਸੰਬੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਔਰ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿੱਧੂ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਕਾਮ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਆਲ ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਚੈਲੇਂਜ 17 ਟਾਈਮ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਬੇਗਮ ਤਾਂਤਰਿਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਨਬਨ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਸਿਰਫ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਫ੍ਰੀ 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 ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਬਾਈਲ 84374 94648 84374 94648